पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, नेत्र के दृष्टि दोषों के बारे में जाना और यह भी सीखा कि दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में हम प्रकाश से संबंधित कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानेंगे। आज हम सीखेंगे प्रकाश के विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। आइए देखते हैं कि एक त्रिभुज प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। पहले पृष्ठ पर, क्योंकि किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है इसलिए वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और दूसरे पृष्ठ पर, क्योंकि किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। प्रिज्म की विशेष आकृति की वजह से निर्गत किरण आपतित किरण से एक कोण बनाती है जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक त्रिभुज प्रिज्म की फलक पर श्वेत प्रकाश डाला जाए तो बाहर निकलने वाला प्रकाश किसी पर्दे पर विभिन्न वर्णों की एक पट्टी बना देता है। दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम निश्चित रूप से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म के गुजरने से पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाल प्रकाश सबसे कम जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग परतों के अनुदिश निर्गत होती है और हमें सुस्पष्ट दिखाई देती है। इसकी वजह से ही हमें स्पेक्ट्रम प्रतीत होता है। 17वीं सदी में सर आइज़क न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक प्रिज्म का उपयोग किया था, पर न्यूटन को यह संदेह था कि स्पेक्ट्रम में दिखने वाले 7 वर्ण क्या पहले से ही श्वेत प्रकाश में मौजूद थे या इनकी उत्पत्ति प्रिज्म के द्वारा की गई थी। इसकी पुष्टि करने के लिए न्यूटन ने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रख दिया, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश वाकई 7 वर्णों से मिलकर बना है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जल की यह सूक्ष्म बूंदें हवा में मौजूद छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है और वह सूर्य के आपतित प्रकाश को पहले अपवर्तित, फिर आंतरिक परावर्तित और वापस से अपवर्तित कर देती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण हमारे नेत्र तक पहुंचते हैं और इसकी वजह से हमें सूर्य के विपरीत दिशा में एक इंद्रधनुष प्रतीत होता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि किसी गर्म वायु के स्रोत के निकट वायु में से होकर देखने पर किसी वस्तु में झिलमिलाहट दिखती है। गर्म वायु का अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। गर्म वायु अपनी आसपास की वायु से मिलजुल कर उसकी भौतिक अवस्था को अस्थिर बना देती है। क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है इसलिए इस वस्तु से आने वाला प्रकाश का मार्ग स्थिर नहीं होता, और इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। आइए जानते हैं कि कैसे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण
हमें आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश वायुमंडल में निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है और साथ ही वायुमंडल की भौतिक अवस्थाओं के स्थायी न होने के कारण तारे की आभासी स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलते रहती है। चूंकि तारे बहुत दूर हैं, वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के करीब होता है, इसलिए इससे आने वाला प्रकाश वायुमंडल की कई परतों पर अपवर्तित होता है, जिसकी वजह से सूर्य की आभासी स्थिति और वास्तविक स्थिति में कुछ अंतर आ जाता है। इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि सूर्य के निचले हिस्से से आने वाले प्रकाश का ज़्यादा अपवर्तन होता है, जबकि ऊपर हिस्से से आने वाले प्रकाश का कम अपवर्तन होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कई सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के कण और आदि। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उसकी किरणों का परावर्तन हो जाता है और उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे नेत्र तक पहुंचता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बना देता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों नजर आता है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो कोई प्रकीर्णन ना होता और आकाश हमें काला प्रतीत होता। आपने देखा होगा कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कुछ लाल सा नजर आता है। आइए इसका कारण जानते हैं। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के अधिकांश भाग का प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाले प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है और सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है। दोपहर के समय सूर्य सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलता है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा ही भाग प्रकीर्ण हो पाता है। आज हमने सीखा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण के बारे में, इंद्रधनुष की रचना के बारे में, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन और इनसे जुड़ी कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में।